हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बदनाम आश्रम यानी कि आश्रम सीजन 3 की, जिसमें टोटल आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 43 मिनट से लेके 49 मिनट्स के बीच में है। यस, प्रीवियस सीजन से इस बार हमें एपिसोड्स की लेंथ ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और क्या सीजन 4 आएगा वो भी मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले कहानी बता दूँ कि जहाँ पर सीजन 2 खत्म हुआ था, यानी कि पम्मी जिस तरह से आश्रम से भागी थी, बस उसके आगे की कहानी। अब पम्मी वहाँ से निकल कर कहाँ जाती है और क्या आश्रम वाले पम्मी को वापस पकड़ते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सीजन 3। देखो यार, सीजन 3 के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा कि जहाँ पर सीजन 1 और सीजन 2 लोगों को बहुत ही रियलिस्टिक लगा था, बहुत सारी चीज़ ऐसी लगी थी जो रियल दुनिया में होती है, बट अगर सीजन 3 की बात को तो यहाँ पर वो जो रियलपन था वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। चीज़ों को यहाँ पर फालतू का ड्रैग किया और हर 30 मिनट के बाद आपको वही सारी सिचुएशन देखने को मिलती जो आपने इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो कि मुझे खल रहा था। उसके अलावा शो में अगर सब प्लॉट्स की बात करूँ तो सब प्लॉट्स को यहाँ पर उतनी अच्छी तरह से नहीं लिखा है, मैं तो बोलूँगा कि बहुत ही डल तरीके से लिखा है। तो वो जो एंटरटेनमेंट था ना, वो जो मज़ा था, वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। अगर शो में कैरेक्टर्स की बात करो तो यस, यहाँ पर कुछ नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री होती है, लेकिन उन कैरेक्टर्स को उतनी अच्छी तरह से नहीं लिखा है जो हम लोग उनसे एंगेज कर पाए। उसके अलावा कुछ प्रीवियस कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल त्रिडा चौधरी का, उस कैरेक्टर में हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलती है, लेकिन वो डेवलपमेंट मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर अगर आप लोग आश्रम शो के फैन हो तो शायद आपको ये बहुत पसंद आए, लेकिन मैं एज ए रिव्यूअर जब मैं शो को देख रहा था तो मुझे बहुत सारी इसमें नेगेटिविटी इस बार नजर आ रही थी। शो की अगर जो पेसिंग की बात करूँ तो पेसिंग भी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर शो की पॉजिटिविटी की बात करूँ तो यस, इस बार भी गॉड मैन बाबा निराला हमें निराश नहीं करता है। और स्टार्ट से एंड ये पर्टिकुलर कैसा कैरेक्टर है जिसके अंदर वो पावर, वो लस्ट, वो आपको साफ नजर आता है, और कहीं ना कहीं यही कैरेक्टर है जो आपको ये पूरे 10 एपिसोड देखने पर मजबूर भी करता है। उसके लिए शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से शो को आगे बढ़ाने की कोशिश की है ये बहुत ही सराहने वाली बात है। शो के अगर BGM की बात करूँ तो BGM भी बहुत इफेक्टिव है। हर एक टाइटल सॉन्ग इस शो का मतलब एक घूस बम लेकर आता है। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई, शो स्टॉपिंग परफॉर्मेंस किया है यहाँ पर बॉबी देओल ने, वो अपने करियर का लाइफ टाइम परफॉर्मेंस किया आश्रम शो में, और इस बार भी सीजन 3 में हमको निराश नहीं किया। बॉबी देओल की आंखों में वो पावर की भूख और हवस साफ नजर आती है थ्रू आउट द सीजन 3 में, वो देखकर बहुत मजा आया। त्रिडा चौधरी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, अदिति पोहनकर एज पम्मी बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे चंदर रॉय सान्याल, उनका भी काम मुझे बहुत अच्छा लगा, दर्शन कुमार, इनका ओवरऑल जितने भी कास्टिंग है इस सब के सब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किए, लेकिन बॉबी देओल का कोई जवाब नहीं। डायरेक्शन प्रकाश झा सर का अच्छा है, बस सीजन 1 और 2 के कंपेयर में सीजन 3 का डायरेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगा, राइटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये शो अपने ही शो की परछाई बनता जा रहा है, और ऑफिस लूज राइटिंग मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 4, यस आप लोग करेक्ट सुनो, सीजन 4 में भी इसका आखिरी सीजन हो सकता है, 2023 में हमें देखने को मिलेगा। और हाँ, अश्लील सीन है कि नहीं, तो देखो यार, इसमें अश्लील सीन इतने नहीं है, बस एक आध किसिंग सीन है और एक सेंशुअल डांस है एपिसोड 5 में आता है, वो बॉबी देओल और ऋषा गुप्ता का, जो कि बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया है, देखकर जो ठड़की लोग हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। डेफिनेटली ये 1 और 2 से बेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार एक्टर्स ने इस सीजन 3 को बचा लिया है, नॉट राइटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय।